कि दरअसल इस देश की संस्थाओं को कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी सरकार ही बर्बाद कर रही है। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मोदी सरकार ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको गौर करना होगा आज हुआ क्या। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली थी राजस्थान में, और उस रैली के लिए चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 12:30 से 3 बजे कर दी, क्योंकि उस रैली में प्रधानमंत्री को कुछ खास लोकलुभावन घोषणाएं करनी थी। ऐसा कभी हुआ है क्या कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए चुनाव आयोग रुकता है और जब वो चुनावी रैली हो जाती है उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? और आप जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों स्थगित किया, तो चुनाव आयोग का यह कहना था कि साहब, पत्रकारों को बताने में, यानी कि अगर हमने नहीं किया होता 3 बजे तो कई पत्रकार नहीं पहुंच पाते। ये दोस्तों बहुत बड़ा झूठ है और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए झूठ है क्योंकि पत्रकारों को 10 बजे बता दिया गया था, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव एक साथ हो रहे थे तो उस वक्त चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश की जो पूरी अधिसूचना थी वो जारी कर दी, पूरी अधिसूचना जारी कर दी, मगर उन्होंने गुजरात की नहीं की क्योंकि प्रधानमंत्री को वहां पर कुछ अहम रैलियां करनी थी, वहां कुछ अहम घोषणाएं करनी थी। वाकई क्या हो गया है हमारी संस्थाओं को, क्या हो गया है हमारी संस्थाओं को, इस तरह से घिसट रही हैं, इस तरह से रपट रही हैं सरकार के सामने। जब टीएन सेशन प्रमुख हुआ करते थे चुनाव आयोग पर तो हमें गर्व हुआ करता था उन पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गर्व हुआ करता था। मगर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में भी उनका रवैया कितना पक्षपातपूर्ण रहा है, और इस पर किसी और ने नहीं बल्कि खुद अदालतों ने तल्ख तेवर अपनाए हैं जिसकी वजह से उन्हें झटका लगा है। और अब आप प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी रैलियां खत्म करेंगे और उसके बाद जो है आप अपने घोषणा करेंगे 5 राज्यों के चुनावों की? इससे बड़ा मजाक आखिर क्या हो सकता है डेमोक्रेसी के साथ? और आप जानते हैं इससे ज्यादा दुख की बात क्या हुई है? आज राजस्थान में एक रैली के दौरान कहा प्रधानमंत्री ने कि जो पार्टियां, गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर, जो पार्टियां वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं, जो पार्टियां वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं, वो जब सत्ता में आती हैं तो वो नौकरशाहों को, यानी कि सरकार को भी विभाजित कर देती हैं, उन्हें डिवाइड कर देती हैं। दोस्तों, उससे ज्यादा हास्यास्पद बात इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मोदी सरकार की अंतर्गत जो CBI आती है, जिसे तोता तक कह चुका है अदालत, उस CBI में एक गैंग वॉर चल रहा है। जी हां, सही सुना आपने, CBI में गैंग वॉर चल रहा है क्योंकि CBI के नंबर 2 राकेश अस्थाना ने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपने बॉस आलोक वर्मा के खिलाफ शिकायत की। जवाब में CBI ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कहा कि आपने हमसे जो स्पष्टीकरण मांगा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस आदमी के कहने पर, यानी राकेश अस्थाना के कहने पर आप हमें नोटिस भेज रहे हैं, दरअसल उसके खिलाफ 6 केसेस हैं। यानी कि CBI अपने नंबर 2 ऑफिसर के बारे में ऐसा कह रहा है। और क्या आप जानते हैं कि ये राकेश अस्थाना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हैं? इस वक्त CBI मानो 2 फाड़ हो चुकी है, एक तरफ आलोक वर्मा है तो दूसरी तरफ राकेश अस्थाना है, और राकेश अस्थाना को बैकिंग मिल रही है PK मिश्रा की। PK मिश्रा दोस्तों जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में है, PK मिश्रा सुपर PMO कहा जाते हैं, और PK मिश्रा की ताकत इतनी ज्यादा है दोस्तों
कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मंत्रियों को, बहुत सीनियर मंत्रियों को कॉल करके उन्हें डांट भी लगा देते हैं। ये ताकत है पीके मिश्रा की। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आपको विश्वास तक नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि ये एक तिकड़ी है, राकेश अस्थाना, पीके मिश्रा और तीसरा नाम है भास्कर कुलबे। भास्कर कुलबे वो आदमी हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं जिनके हाथ में ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भास्कर कुलबे के खिलाफ सीबीआई कह रही है कि उन्हें कोयला घोटाले में अक्यूज्ड बनाया जाए, आरोपी बनाया जाए। कौन है भास्कर कुलबे? भास्कर कुलबे वो हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं। उन्हें कोल स्कैम में अक्यूज्ड बनाया जाए, मगर इस बात का विरोध कौन कर रहा है? राकेश अस्थाना। वो राकेश अस्थाना जो अपने बॉस आलोक वर्मा पर लगातार हमला कर रहे हैं, वो आलोक वर्मा जो नियम कायदों के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री हमसे ये कहते हैं कि वोट बैंक करने वाली जो पार्टियां होती हैं, जब वो सत्ता में आती हैं तो वो सरकार को दो फाड़ कर देती हैं या ब्यूरोक्रेट्स को दो फाड़ कर देती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि आज जो चल रहा है इस वक्त भारत सरकार में वो एकदम गुजरात मॉडल है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उसी तरह से उस वक्त की जो नौकरशाही थी, उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो दोफाड़ हो गई थी दोस्तों, उनमें लगातार लड़ाई हो रही थी। अब वही हो रहा है भारत सरकार के साथ, सीबीआई में मानो गैंग वॉर चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। This has never happened and this is a travesty of governance. जो लोग गवर्नेंस की दुहाई देते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये उनके लिए झटका है। आपकी सीबीआई के अंदर लड़ाई हो रही है, नंबर वन और नंबर टू के बीच में लड़ाई हो रही है। आपके जो करीबी ऑफिसर हैं भास्कर कुलबे, जिनके हाथ में ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है, उन्हें कोयले घोटाले में अक्यूज्ड बनाने की बात हो रही है, मगर राकेश अस्थाना उसका विरोध कर रहे हैं। सच तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आज की तारीख में मजाक बन चुका है आपका पूरा गवर्नेंस का ढांचा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात में होता था, इस वक्त कई नौकरशाह, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कई नौकरशाह जो हैं बिजनेस हाउसेस की, कॉरपोरेट हाउसेस की लाइजनिंग कर रहे हैं, उनके साथ सांठ गांठ कर रहे हैं, और यह अतिशयोक्ति नहीं है, उनके लिए लाइजनिंग कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है जो आज केंद्र पर आसीन है, ये वो गुजरात मॉडल है जो इस वक्त केंद्र में चल रहा है। और सच तो यह है कि गवर्नेंस जो है वो किस रसातल में चली गई हम नहीं जानते हैं। आप मुझे बताइए, आप लोग जो इस सरकार को पिछले कई सालों से देख रहे हैं, इस देश को कई सालों से देख रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सीबीआई के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो इतनी खुले तौर पर सामने आ गई कि सीबीआई खुद ही अपने एक ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन कर रही है, जहां जो नंबर टू है वो नंबर वन के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री के करीबे भास्कर कुलबे को कोयला घोटाले में अक्यूज्ड आरोपी बनाने की बात चल रही है। सच तो यह है दोस्तों कि ये चीजें सामने नहीं आती हैं, और चूंकि ये चीजें सामने नहीं आती हैं तो आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है, मगर हकीकत यही है। और इस हकीकत से हम पर्दा नहीं, मुंह नहीं मोड़ सकते, इस पर हम पर्दा नहीं डाल सकते। आज हमें, हम सबको सोचना होगा कि गवर्नेंस की क्या हालत हो गई है मोदी सरकार के अंतर्गत। बहरहाल बहुत दुखद है जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने एक तरह से प्रवक्ता का काम किया मोदी सरकार का, कि मोदी जी की रैली के लिए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया, और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही मानो वो अपने गिरेबान में झांक रहे थे। अपना ख्याल रखिए, अगर आपको मेरे इस ब्लॉग पर कोई भी टिप्पणी करनी है तो मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगा, नंबर एक। नंबर दो, आप इसे शेयर कीजिए और उस पर आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।